Hello everyone, welcome to the Edutainer. In this lecture, I am going to teach you about actuators. So let's see what is actuators. Before this class, I will discuss about the sensors. So we will learn about the sensors. Now, the next building block of Internet of Things is actuator. So actuators is a device which takes electrical signals as input and it converts these electrical signals in some output form, physical output, और precise definition की बात करें तो signals electrical भी हो सकता है, optical भी हो सकता है, mechanical भी हो सकता है. signal किसी प्रकार का signal हो सकता है. उस signal को actuator क्या करता है, input के तौर पे देता है और उसे physical output में convert करता है. जैसे simple example लेते हैं, किसी लिविंग थिंग्स के रूम में प्रेजेंस होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस रूम में एंटर होता हूँ तो मेरे रूम में एंटर होते ही इस रूम की लाइट्स जो हैं टर्न ऑन हो जाए और मेरे रूम से बाहर जाते ही लाइट्स जो हैं ऑफ हो जाए. सो इसके लिए मुझे माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर और एक्चुएटर्स की जरूरत पड़ेगी. माइक्रो कंट्रोलर से मैं प्रोग्रामिंग कर लूँगा कि रूम के अंदर प्रेजेंस होने पर लाइट टर्न ऑन हो जाए, रूम से बाहर जाने पर लाइट टर्न ऑफ हो जाए. लेकिन मेरे प्रेजेंस होने को सेंस करेगा सेंसर. मैं उसके लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज कर सकता हूँ या उसके लिए PIR सेंसर का यूज कर सकता हूँ. इन सेंसर्स की हेल्प से मैं अपनी प्रेजेंस जो है डिटेक्ट कर सकता हूँ उस रूम. देन आफ्टर लाइट को टर्न ऑन या ऑफ करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्चुएटर की. एक्चुएटर क्या करता है, जो सेंसर से मिली इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस्ड करता है. अब वो सेंसर से मिली इंफॉर्मेशन सिग्नल्स की फॉर्म में होती है तो उन सिग्नल्स को क्या करता है, प्रोसेस्ड करता है एज ए इनपुट के तौर पे और फिर उसके लिए वो कोई पर्टिकुलर फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस करता है. जैसे कि वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच का यूज करके करते हुए लाइट को ऑन कर सकता है, लाइट को ऑफ कर सकता है. अगर मैं प्रेजेंस हूँ रूम के अंदर तो लाइट को ऑन कर देगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के जरिए ऑटोमेटिकली, और अगर मैं रूम के अंदर प्रेजेंट नहीं हूँ तो लाइट को ऑफ कर देगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के जरिए ऑटोमेटिक विदाउट एनी इंटरवेंशन. सो दिस इज द एक्चुएटर. तो एक्चुएटर की ये रियल डेफिनेशन है कि किसी भी सिग्नल्स को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में हो, मैकेनिकल की फॉर्म में हो या ऑप्टिकल की फॉर्म में हो, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करते हैं और इस सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है फिजिकल आउटपुट. और एक्चुएटर्स की कई सारी डेफिनेशन है. एक्चुएटर्स को जरूरत पड़ती है एक तो कंट्रोल सिग्नल की, ये सिग्नल एक तरीके से तो कंट्रोल सिग्नल एंड अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं एक्चुएटर्स के लिए जो इसे चाहिए, एक तो कंट्रोल सिग्नल और दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट थिंग, एक्चुएटर एक ऐसी मैकेनिज्म है बाय विच अ कंट्रोल सिस्टम एक्ट्स अपॉन एन एनवायरनमेंट. इट इज अ मैकेनिज्म, हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच अ कंट्रोल सिस्टम एक्ट्स अपॉन एन एनवायरनमेंट. किसी एनवायरनमेंट पे कंट्रोल सिस्टम जो है एक्ट कर सकता है. सो देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ एक्चुएटर्स बट द सिंपलेस्ट वन इज किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है. दिस इज द सिंपलेस्ट वन. और उससे जरूरत क्या होती है, कंट्रोल सिग्नल और सोर्स ऑफ एनर्जी. कंट्रोल सिग्नल मिलते ही उसे क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सोर्स एनर्जी किसी
मैकेनिकल मोशन में या मैकेनिकल टॉर्क में उसे कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल मोशन का मतलब है कि जैसे उसे लीनियरली उसको मोशन मोशन करा दे तो लीनियरली मूवमेंट करा देगा, रोटेशनली मूवमेंट करा तो रोटेशनली मूवमेंट करा देगा, ऑसिलेटरी मूवमेंट कराना तो ऑसिलेटरी मूवमेंट करा देगा। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल आउटपुट्स है। तो फिजिकल आउटपुट्स जो है वो मेन जो है टारगेट होता है एक्चुएटर्स का। और एक्चुएटर्स का एग्जाम्पल अगर हम ले तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो है एक्चुएटर्स का वो है रिले स्विच। आईओटी के कोर्स में रिले स्विच को एज अ एक्चुएटर के रूप में मोस्टली यूज किया जाता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है, इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एसी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, लाइट को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिसको जिसमें कि ऑन एंड ऑफ की जरूरत पड़ती है उसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकली जो है उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं इस रिले स्विच के जरिए। सो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्चुएटर। अदर एग्जाम्पल माइट बी सोलेनोइड वाल्व। सोलेनोइड वाल्व, सोलेनोइड वाल्व में क्या करते हैं, ये जनरली वाटर के कंट्रोल को जो है मेजर करता है, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। किसी पाइप में वाटर का किस तरह से फ्लो हो रहा है उसको जनरली सोलेनोइड वाल्व जो है एक ऐसा एक्चुएटर है जो कि कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट एक इनटेक में अगर बहुत सारा वाटर जा रहा है तो हम अगर कम अमाउंट में आउटपुट में लेना चाहते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सोलेनोइड वाल्व का यूज करके उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्चुएटर्स। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट ऑफ व्हाट इज एक्चुएटर्स एंड ऑल्सो आई हैव गिवन द टू एग्जांपल्स ऑफ एक्चुएटर्स। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एक्चुएटर। यू नोट डाउन दिस पॉइंट्स। I think you note down. Okay, so I will erase them. Now let's see the types of actuators. Actuators can be classified in five types. The first one is hydraulic based actuator. Hydraulic means there we need some fluid to run the actuators. Second one is pneumatic based actuators. Pneumatic means here we need some kind of air or vacuum, pressure air. So this kind of things are required for pneumatic based of actuators. Third one is electrical based actuators. So electrical based actuators generally require electrical signals to run the actuators or to process to use the actuators defiantly. Fourth one is thermal or magnetic based actuators. So thermal or magnetic based actuators में हम क्या करते हैं, either thermal energy का use करते हैं या फिर मैग्नेटिक एनर्जी का यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स। मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स में मैकेनिकल फॉर मोशन, मैकेनिकल
और मैकेनिकल मोशंस या मैकेनिकल थिंग्स का जो हमें यूज करना पड़ता है एक्चुएटर्स के अंदर. सो दिस आर द फाइव टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स. फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिक बेस्ड, सेकेंड वन इज न्यूमेटिक बेस्ड, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल बेस्ड, फोर्थ इज थर्मल और मैग्नेटिक बेस्ड, एंड द लास्ट वन इज मैकेनिकल बेस्ड. सो वी विल सी वन बाय वन इन डिटेल ऑल ऑफ दैम. फर्स्ट लेट डिस्कस अबाउट हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर्स. ओके, सो व्हाट इज हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर्स? इन हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर्स इट यूजेस सिलेंडर और फ्लूइड मोटर. इट यूजेस सिलेंडर और फ्लूइड मोटर दैट रिक्वायर्स हाइड्रोलिक पावर that requires hydraulic power to convert into some mechanical operation. So generally it uses either cylinder or fluid motor. Fluid motor means motor consists of contained fluid, and it requires hydraulic power. This hydraulic power is converted this fluid motor fluid into mechanical operation, and mechanical motion could be mechanical operation means some kind of mechanical motion or some kind of mechanical things which happens as a output of actuators. So this mechanical motion can be either linear, rotatory means rotational motion, or oscillatory motion means kind of pendulum oscillatory motion. So this is mechanical motion. But here one flaw is there. Hydraulic based actuators generally it is nearly impossible to compress any liquid. So we need to exert a large amount of force so that the hydraulic actuators will work. But due to this flaw, we generally not use so much hydraulic based actuators. So there it is impossible to compress we have to exert large amount of force. That's why its usage is limited usage. मतलब हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर एक ऐसा बेस्ड एक्चुएटर है जिसमें कि हमें फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी, और उस फ्लूइड को हाइड्रोलिक पावर मतलब सम काइंड ऑफ टर्बाइन और जो भी चीज का यूज करते हुए हम उस फ्लूइड को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे. और वो मोशन कुछ भी हो सकता है, आइदर इन लीनियर मोशन और इन रोटेटरी मोशन और इन ऑसिलेटरी मोशन. बट फ्लूइड को कंप्रेस करना बहुत
मुश्किल काम होता है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है। अब ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसके अंदर। इस ड्रॉबैक के चलते इसका जो यूसेज है वो बहुत कम, इसीलिए हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर जनरली ज्यादा यूज नहीं होते हैं। हाँ यूज करते हैं, लेकिन दूसरे एक्चुएटर्स के कंपैरिजन में इस हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर्स को हम बहुत कम यूज करते हैं। ओके, सो यू मस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स। आफ्टर दैट वी विल सी द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर्स। ओके, लेट्स सी द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर्स व्हिच इज न्यूमेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स। सो इन न्यूमेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स इट कन्वर्ट्स एनर्जी formed by vacuum or compressed air at high pressure into some mechanical motion. Okay, so जो भी वैक्यूम या कंप्रेस्ड एयर होता है उस तरह के उसको हम हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैकेनिकल मोशन। एक्चुएटर्स में आपको बार बार मिले सुनने को मिलेगा कि यह हमेशा किसी फिजिकल किसी इनपुट को मैकेनिकल मोशन में या फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल मोशन इज जनरल नथिंग बट अ काइंड ऑफ फिजिकल आउटपुट, एक फिजिकल आउटपुट में इसको कन्वर्ट कर रहा है। सो यहाँ पे भी कन्वर्शन ही हो रहा है, एक एनर्जी का एक इनपुट है, क्या इनपुट है, वैक्यूम और या कंप्रेस्ड एयर, उसको ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल मोशन। नेक्स्ट थिंग इज examples are pneumatic rack or pinion. ये दो actuators होते हैं generally के नाम ऐसे हैं कि pneumatic rack और pinion, इनको हम use करते हैं valve controls of flow of pipes, valve controls of water. It is used for valve controls to bring in a flow of water controls flow of water. Valve controls flow of water in a pipe. Okay, so ये practical example है pneumatic rack और pinion। ये तो ऐसे actuators हैं जिनका use हम क्या करते हैं, water के flow को control करने के लिए use करते हैं। Okay, so यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे start और जो stop signal होता है उसकी जो है रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, इट डज नॉट रिक्वायर स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल, इट डज नॉट रिक्वायर स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल। ओके, और इट इज जनरली यूज्ड It is generally used to convert pressure into force. ये pressure को force में convert करता है, pressure into force. Force is some kind of mechanical physical output हो गया, pressure input के तौर पे हमने ले लिया। तो प्रेशर को जनरली ये फोर्स को में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह के एक्चुएटर्स का यूज करते हैं।
it converts energy formed by vacuum or compressed air at high pressure into some mechanical motion. These mechanical motions can be either linear, rotatory or oscillatory motion. Examples are pneumatic rack or pinion. Pneumatic rack and pinion are used for valve controls of flow of water in a pipe. It does not require start and stop signals. It is generally used to convert pressure into force. So, pneumatic based actuators generally produce a large amount of force for a relatively small amount of pressure. So, small amount of pressure के लिए भी वो क्या करता है? एक large amount of force produce कर सकता है. अगर हम pressure कम भी दें, तो भी वो हमें अच्छा खासा force जो है produce करके दिखा देगा. So, it is beneficial for ours कि हम pneumatic based actuators का use करें. तो pneumatic based actuators जो है काफी अच्छा है in comparison to hydraulic based actuators. Okay, now let's see the third classification of actuators, which is electrical based actuators. So our third classification of actuators is electrical based actuators. So electrical based actuators generally powered by a motor kind of electrical motor that converts electrical energy into mechanical torque or motion. So don't confuse by this word torque. Torque means generally a rotational motion. अगर हमें rotational motion कराना है तो उसके लिए हमें एक ऐसा force लगाना पड़ेगा जिससे कि rotational motion possible हो सके. उस force का नाम है torque. और linear motion के लिए हमें simple एक force लगाना पड़ता है. तो torque के अंदर हम दो force लगाते हैं generally, एक perpendicular और एक base. तो electrical based actuator से क्या करते हैं? Electrical energy को convert करते हैं physical output. So electrical energy को हमने convert कर दिया physical output में. physical output था, physical output आपका mechanical motion या torque हो सकता है. example के तौर पे हम यहाँ फिर से solenoid valve का use कर सकते हैं. solenoid valve में अगर हम electrical signals को as a input दें, मतलब electrical signal supply करें, तो ये solenoid valve क्या करेगा? water के flow को control करेगा pipe के अंदर. सॉलेनोइड वाल्व इसमें मैंने क्या किया, एज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई की, इसने कंट्रोल किया किसको? फ्लो ऑफ वाटर को. फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल किया, कंट्रोल्स फ्लो ऑफ वाटर, कंट्रोल फ्लो वाटर इन अ वाल्व. So this is the example of electrical based actuators. And the most important point is, it is cleanest, cheapest and speedy actuators available. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर्स एक ऐसा एक्चुएटर्स होता है जो कि काफी क्लीनेस्ट होता है, जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, चीपेस्ट होता है, सारे एक्चुएटर्स में से सबसे सस्ता होता है और स्पीडी होता है. काफी जो है यहाँ पे काम जो है, वर्क जो है स्पीड में होता है. सो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है और जनरली हम ज्यादातर यूज जो है इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर्स का यूज करते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर्स. First, it requires electrical energy and then it converts it into a mechanical motion or torque. Examples are solenoid valves and it is cleanest, cheapest and speedy actuators available.
So you note down the points. After that, we will see the next classification. Now let's see the next classification. Next classification is fourth type, which is thermal or magnetic based actuators. So in thermal or magnetic based actuators, this can be actuated. This can be actuated. Actuated means ki output, jo physical output produced hoga, wo ya to thermal energy ya magnetic energy, agar in dono mein se koi ek energy hum isko dete hain to hi actuate kar payega, warna nahi actuate kar payega. So this can be actuated by applying thermal or magnetic energy. Magnetic energy. Okay, so अगर हमारे पास thermal energy या magnetic energy का source है तो हम उससे actuate कर सकते हैं, एक actuator बना सकते हैं. But they tend to be lightweight compact they tend to be lightweight compact or sorry they tend to be lightweight, compact or high power density. Okay, so this kind of actuators is generally lightweight because we are applying thermal or magnetic energy. So thermal or magnetic energy apply करते हैं, वो energy जो होती है generally ज़्यादा heavy नहीं होती है, in the sense कि हम उसको actuators में उतना फोर्सफुली नहीं लगाते हैं, तो इस बेस पे जो है ये एक्चुएटर्स जनरली लाइटवेट होते हैं, कॉम्पैक्टेड होते हैं और हाई पावर डेंसिटी के होते हैं. मतलब कि हम अगर कम एनर्जी भी लगाएं तो हमें जो जनरली पावर मिलेगा वो काफी अच्छा जो है फिजिकल आउटपुट में पावर मिलेगा. सो दिस इज अगेन अ बेनिफिशियल फॉर अस कि अगर हमें लाइटवेट एक्चुएटर्स चाहिए और हाई पावर डेंसिटी वाला एक्चुएटर्स चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थर्मल या फिर मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स यूज कर सकते हैं. इसको बनाने के लिए जनरली हमारे पास हम इसको बनाने के लिए शेप मेमोरी मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं. शेप मेमोरी मटेरियल का यूज नहीं कर सकते, शेप मेमोरी मटेरियल का यूज करते ही है इसको बनाने के लिए. शेप मेमोरी मटेरियल्स इसको शॉर्ट फॉर्म में SMM ही बोला जाता है, SMM. शेप मेमोरी मटेरियल्स में जनरली हम यूज करते हैं शेप मेमोरी एलॉयज, शेप मेमोरी एलॉयज, SMA और मैग्नेटिक शेप मेमोरी एलॉयज, मैग्नेटिक SMA. सो दिस आर द टू थिंग्स विच आर यूज टू फॉर्म थर्मल और मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स. सो फिर से मैं एक बार इसके बारे में ब्रीफली बता देता हूँ, थर्मल और मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स क्या होते हैं. अगर आपको थर्मल और मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको थर्मल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक्चुएटर सिर्फ थर्मल और मैग्नेटिक एनर्जी को ही रिस्पॉन्स करते हैं एज अ फिजिकल एज अ इनपुट के तौर पर, और उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. जनरली आउटपुट मैकेनिकल टॉर्क या मोशन में हो सकता है, भी हो सकता है. दे टेंड टू बी लाइटवेट, ये लाइटवेट होता है, कॉम्पैक्ट होता है और इसकी जो पावर होती है वो काफी हाई होती है, हाई डेंसिटी की होती है.
इसको बनाने के लिए हम लोग शेप मेमोरी अलॉयज का यूज करते हैं या फिर मैग्नेटिक शेप मेमोरी अलॉयज। मैग्नेटिक शेप मेमोरी अलॉयज में हम जनरली मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ थर्मल और मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स। यू नोट डाउन द पॉइंट्स, वी विल सी द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर्स। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर्स। सो लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर्स इज मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स। मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स। सो हियर मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स जनरली कन्वर्ट्स लीनियर मोशन टू रोटेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन टू ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन टू रोटेटरी मोशन इज सम काइंड ऑफ कन्वर्टिंग वन मोशन फॉर्म टू अदर मोशन फॉर्म, लीनियर मोशन टू रोटेटरी मोशन। टू एग्जीक्यूट सम इवेंट, टू एग्जीक्यूट सम मूवमेंट। सो इन मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स जहां पे कि आप फिजिकल इनपुट के तौर पे भी मैकेनिकल फॉर्म को दे रहे हो, मीन्स मोशन को दे रहे हो, और आउटपुट के तौर पे भी आप एक तरीके से मोशन ले रहे हो, तो ये क्या करता है, एक मोशन को दूसरे मोशन में चेंज कर सकता है। वो लीनियर मोशन को रोटेटरी में कर सकता है, रोटेटरी को ऑसिलेटरी मोशन में कर सकता है, सम काइंड ऑफ चेंजिंग द मोशन। इट इन्वॉल्व्स गियर्स, गियर्स में यूज होता है, पुलीज जो पुल करने के लिए यूज करते हैं, चेन्स, शाफ्ट, एक्सेट्रा। सो मैनी ऑफ द मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक गियर्स, पुलीज, चेन, शाफ्ट एक्सेट्रा टू डराइव सम ऑपरेशन, टू डराइव सम वर्क और टू डराइव सम मैकेनिकल मोशंस, उसमें हम क्या करते हैं, इस मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैक एंड पिनियन दो एक्चुएटर्स होते हैं, रैक एंड पिनियन। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्रैंकशाफ्ट के तौर पर, तो ये हमारा एक मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स हो जाएगा। रैक एंड पिनियन मैंने आपको पहले बताया था न्यूमेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स होते हैं जिसमें कि हमें प्रेशर, वैक्यूम या एयर प्रेशर की जरूरत होती है। सो इस दिस काइंड ऑफ थिंग्स is converted to crankshaft and it is generally called as mechanical based actuators. So mechanical based actuators में क्या होता है कि motion को हम एक motion को दूसरे motion में convert कर सकते हैं, और motion आपको पता है कि linearly हो सकते हैं, rotatory हो सकते हैं, oscillatory हो सकते हैं, cyclic type के motions हो सकते हैं, अलग अलग kinds के motion हो सकते हैं। तो generally हम motions को interchange करते हैं, convert करते हैं, तो ये actuators generally इस के लिए यूज किया जाता है, और इसका यूज जनरली गियर्स, पुलीज, चेन्स वगैरह में हर जगह यूज करते हैं, शाफ्ट वगैरह यूज किया जाता है ताकि ये इस तरह के आउटपुट को जनरली प्रोड्यूस कर सके। एग्जांपल्स के तौर पर मैंने आपको बताया रैक एंड पिनियन को हम क्रैक शाफ्ट बना सकते हैं। ओके, सो ये हमारा लास्ट एक्चुएटर्स। तो एक्चुएटर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, पहले मैंने आपको एक्चुएटर्स के बारे में बताया कि एक्चुएटर्स होता क्या है। एक्चुएटर्स मैंने ये बताया था कि जो भी सिग्नल्स होती हैं वो सिग्नल्स आइदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म हो सकती है, मैकेनिकल फॉर्म हो सकती है, उन सिग्नल्स को ये क्या करता है फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि स्विच है, स्विच क्या करती है लाइट को टर्न, लाइट ऑन या ऑफ करती है, तो ये एक तरह का फिजिकल आउटपुट है। उसके बाद फिर मैंने आपको एक्चुएटर्स क्लासिफिकेशन बताया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा था हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर्स। तो हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर्स में क्या था कि हमें
फ्लूड का यूज करना था, फ्लूड के को हम कन्वर्ट करते हैं फिजिकल सॉरी फिजिकल आउटपुट में, मतलब मोशंस में। उसी तरह से न्यूमेटिक बेस्ड है, न्यूमेटिक बेस्ड में हम वैक्यूम या फिर कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल मोशन या फिजिकल आउटपुट। मोशन जनरली मीन्स फिजिकल आउटपुट। थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन था इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर्स। इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर्स जो है उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको यूज करके हम उसे कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल मोशन, टॉर्क या फिर जो भी फिजिकल आउटपुट जिस तरह का हमें चाहिए उसको। फोर्थ वन इज थर्मल और मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स, जहाँ पे हमें थर्मल और मैग्नेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको कन्वर्ट करने के लिए। थर्मल और मैग्नेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल मोशन, टॉर्क में, मतलब किसी फिजिकल आउटपुट। एंड द लास्ट वन इज मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स, जहाँ पे एक मैकेनिकल मोशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे मोशन। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ एक्चुएटर्स। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस।